मैं नवनीत बराड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस बुक के बारे में, और अब तक हमने मैट्रिसेस के कई टाइप्स के बारे में देखा है। आज हम उसके आगे कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट्री यानी एकिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लाम्बिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, और उसका एक रिजल्ट भी यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी कि जिसको आप संयुग्मी मैट्रिक्स भी कहते हो, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स को आप कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहोगे अगर आपने किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उनके संयुग्मी से यानी उनके कॉन्जुगेट से क्या कर दिया है, बदल दिया है, उनके कॉन्जुगेट लिख दिए हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो मैट्रिक्स आपकी दी गई मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको आप क्या लिखोगे? इसका जो साइन होता है वो है ए बार, इसको आप कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर ए मैट्रिक्स ये है, देखिए कॉन्जुगेट जो है वो किन संख्याओं के लिखे जाएंगे, जो संख्याएं की क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? ए प्लस आयोटा बी टाइप की संख्याएं। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, वन प्लस आयोटा इसका एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? ए प्लस आयोटा बी टाइप की एलिमेंट है, जहां पर ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू भी क्या है, वन है। ओके, तो आपके इस मैट्रिक्स, अगर आप ए टू बाई टू की कोई मैट्रिक्स लेते, जैसे वन प्लस आयोटा आ गया, वन माइनस आयोटा आ गया, ओके, थ्री प्लस टू आयोटा है, और फोर माइनस टू आयोटा, ओके, ये आपकी टू बाई टू की कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अगर आपको बोला कि इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स राइट डाउन करो, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर हर एक एलिमेंट, हमने क्या कहा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें दी गई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उसके संयुग्मी में बदल दिया जाए, उसके कॉन्जुगेट में बदल दिया जाए। जैसे वन प्लस आयोटा, इसका संयुग्मी क्या होगा? वन माइनस आयोटा। संयुग्मी क्या होता है? जो आयोटा होता है उसको माइनस आयोटा के अंदर रिप्लेस करना होता है अपने को। ओके, तो वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा है तो इसका संयुग्मी क्या होगा? वन प्लस आयोटा। थ्री प्लस टू आयोटा है तो थ्री माइनस टू आयोटा, फोर माइनस टू आयोटा है तो फोर प्लस टू आयोटा। तो ये बन गई आपके इस ए मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स। ओके, अब आपकी आती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अच्छा, संयुग्मी के बारे में एक और बात कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव जो हैं वो वास्तविक हों, रियल यानी कि वास्तविक हों, तो क्या होता है आपके पास? तो जो उसकी संयुग्मी मैट्रिक्स होती है वो एक्चुअल में वही मैट्रिक्स होती है, उससे अलग नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संयुग्मी होता है वो वही एलिमेंट होता है। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं वन, वन का संयुग्मी रहेगा वन, टू का संयुग्मी रहेगा टू। फर्क इसमें आता है जो कि क्या होते हैं आपके पास, या तो विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं यानी प्योरली जो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनका आप संयुग्मी राइट कर सकते हो, या फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी ए प्लस आयोटा बी टाइप के जो नंबर्स हैं उनका आप संयुग्मी वहां पर चेंज आएगा। लेकिन अगर आपकी इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स रियल हैं तो वहां पर उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वही रहेगी। ओके, और अगर आपकी ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जो हैं वो विशुद्ध काल्पनिक हैं, विशुद्ध काल्पनिक है यानी कि प्योरली इमेजिनरी, तो क्या होगा? ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? माइनस ए के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी के अंदर आपको एग्जाम्पल देना है, विशुद्ध काल्पनिक क्या होता है कि ऐसे काल्पनिक संख्याएं जिनके अंदर उनका रियल पार्ट नहीं होता, जैसे थ्री नहीं है यहाँ पर, ओनली टू आयोटा हो, यहाँ पर फोर ना हो, ओनली माइनस टू आयोटा हो, तो इनकी आपके पास संयुग्मी मैट्रिक्स क्या बनेगी? आयोटा को माइनस आयोटा, माइनस आयोटा क्या बन जाएगा आपका? प्लस आयोटा यानी ओनली आयोटा,
टू आयोटा आपका क्या हो जाएगा माइनस टू आयोटा, और माइनस टू आयोटा आपका क्या हो जाएगा प्लस टू आयोटा। देखो आप क्लियरली देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, आयोटा था माइनस हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, टू आयोटा माइनस टू आयोटा, माइनस टू आयोटा टू आयोटा। तो आप देख सकते हो इसको आप माइनस से अगर पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स बननी है, दैट इंप्लाइज आपका जो ए कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस से मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसके सभी जो आपके एलिमेंट्स थे वो कौन सी संख्याएं हैं, विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया आपका, माइनस ए के इक्वल आया। ओके, तो ये दो पॉइंट्स थे आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को लेकर। अब नेक्स्ट अपने आते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स जैसा कि इसके नाम ही क्लियर है कि इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट होती है आपकी संयुग्मी, ट्रांसपोज होती है आपकी परिवर्त। तो ऐसी मैट्रिक्स को अपने कैसे राइट कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट कर दिया जाए। ट्रांसपोज हमने पीछे डिस्कस किया था कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर बनी हुई मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, और कॉन्जुगेट के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके जो भी काल्पनिक नंबर्स आ रहे हैं उनका संयुग्मी लिखने पर जो बनने वाली मैट्रिक्स है वो आपके पास संयुग्मी मैट्रिक्स होती है। तो इसके अंदर दोनों ही आ गए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो बनने वाली मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। या आप इसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट करते हो तब भी वो इसकी डेफिनेशन है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज करते हो तब भी वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसका एक और नाम भी है ट्रांजुगेट, दोनों वर्ड्स को मिलाकर ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें ट्रांसपोज का ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज का आ गया आपके पास टी आर ए एल, और कॉन्जुगेट का आ गया आपके पास ये जे यू जे टी टी। ओके, तो ये इसको ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसकी जो ए का अगर रिप्रेजेंटेशन आपने देखी है, ए स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए स्टार का मतलब क्या होता है, या तो ए ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दो या फिर आप ए कॉन्जुगेट करके उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो इस तरीके से बनने वाली मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, इसको आप हिंदी में क्या कहते हो, एकिक, एकिक मैट्रिक्स कहा जाता है आपके पास। तो यूनिटरी मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास जैसे अपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखा था वैसे ही इसकी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ए अगर आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, और आप उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बताना चाहते हो तो उसको कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन थी ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, वैसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि उसके स्टार वाले यानी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ए ए स्टार इज इक्वल टू आई और ए स्टार ए बी इज इक्वल टू आई टू। तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाती है, एकिक मैट्रिक्स कहलाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद आती है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हमने सममित मैट्रिक्स किया था, सममित मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होने पर उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके रिलेटेड है स्टार से। ठीक है, तो इसके अपने डेफिनेशन करते हैं। देखिए क्या होता है, ए अगर आपके पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन कहलाती है, ए मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन कहलाती है इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन हो, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई जे। देखिए ए आई जे क्या है, यहाँ पर ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स को फॉर ऑल आई जे।
तो क्या है यहाँ पर, वो क्या है एक्चुअली डेफिनेशन क्या कहती है, ए आई जे इज इक्वल क्या होना चाहिए, ए जे आई का कॉन्जुगेट। देखो ध्यान से यहाँ पर वो क्या रहा है, आई जे की जगह क्या आ रहा है जे आई, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज हो रही है। तो बेसिकली सीधी सी बात है यहाँ पर ट्रांसपोज की बात हो रही है, ओके। फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना हम किसके अंदर रीड करते हैं, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के अंदर। तो सीधा सीधा इसकी मैट्रिक्स, इसकी जो अल्टरनेट डेफिनेशन है, जो वैकल्पिक परिभाषा है, आप उसको ये भी राइट कर सकते हो। अल्टरनेट के अंदर आप क्या कह सकते हो, ए अगर एक स्केयर मैट्रिक्स है उसको आप हर्मिशियन मैट्रिक्स कहना चाहते हो, तो उसकी कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ उसको क्या होना पड़ेगा, जो उसका ए ट्रांजुगेट है एक्चुअल में और कुछ नहीं, क्या आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन है, ओके। और अगर अपने इसको थ्योरेटिकली मैट्रिक्स के एलिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, मैट्रिक्स के एलिमेंट की फॉर्म में डेफिनेशन लिखनी है, तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई का कॉन्जुगेट, जो कि और कुछ नहीं है। आई जे क्या है आपका, जे आई के अंदर चेंज होने पर ट्रांसपोज ही कहलाता है, और ट्रांसपोज का हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, ए स्टार की बात की जा रही है, ए ट्रांजुगेट की बात की जा रही है, ओके। तो ये होगी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन, जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किया था, वैसा ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, विषम हर्मिशियन इसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं है, सेम ही है। ए अगर आपके पास एक कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको आप क्या कहना चाहते हो, स्क्यू हर्मिशियन, ए स्क्यू हर्मिशियन कहलाती है, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए इसके अंदर, वही ए आई जे इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट लेने पर आपके पास आंसर्स किसके अंदर आए, अगर नेगेटिव आपके पास रिजल्ट आता है फॉर ऑल आई जे, ओके। तो इसकी इसकी जो अल्टरनेट डेफिनेशन है, इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास, ए स्टार किसके इक्वल आना चाहिए, अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, माइनस ए आएगा, ओके। और हर्मिशियन के केस में भी रिजल्ट है, जैसे हमने लाम्बिक के केस में कुछ प्रॉपर्टीज की थी, वैसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की भी एक खास बात होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, यानी विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रियल यानी कि वास्तविक होते हैं हमेशा, ओके। और स्क्यू हर्मिशियन का रिजल्ट है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, विशुद्ध काल्पनिक होते हैं, ये इन दोनों की खास बात है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सभी के सभी रियल होते हैं, और स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एलिमेंट्स, उनकी दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो वो जीरो हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, विशुद्ध काल्पनिक। विशुद्ध काल्पनिक कौन से, आपने देखे ये कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसके अंदर उनका रियल पार्ट जीरो होता है, ओनली इमेजिनरी पार्ट होता है, वो नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। तो इनका प्रूफ कैसे होता है, इनका भी छोटा सा आप प्रूफ कर सकते हो, इनको देख सकते हो प्रैक्टिकली कि ये कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीन प्रूफ करेंगे, तीनों के तीनों प्रूफ करेंगे। एक हम लाम्बिक मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, जो हमने उसके लाम्बिक मैट्रिक्स का पिछली वीडियो के अंदर लाम्बिक मैट्रिक्स का हमने रिजल्ट लिखा था कि ए बी और बी ए बी क्या होती हैं आपके पास, लाम्बिक एन की ऑर्थोगोनल होती हैं। फिर एक इसका रिजल्ट और एक इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही, ये आपके पास कुछ टाइप्स बचे हुए थे मैट्रिसेस के, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है उसको अपनी स्टार से लिखते हैं, एकिक मैट्रिक्स जो है जैसे लाम्बिक के अंदर कंडीशन थी ए ए ट्रांसपोज होता है, यहाँ पर सिर्फ ए ए स्टार आ जाएगा, ओके। और हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ए स्टार इज इक्वल टू क्या हो अगर ए आ जाए, और स्क्यू हर्मिशियन ए स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस सी। तो उनकी ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं और जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रिजल्ट अपने बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।